दिल्ली चुनाव के बाद नई सरकार बनी है और नई सरकार में वित्त मंत्री का पदभार संभालने के बाद मेरी केंद्रीय वित्त मंत्री जी से एक औपचारिक मुलाकात हुई जो बहुत अच्छी थी और वो बहुत हमेशा एंकरेज करती रही हैं दिल्ली के मुद्दों को। पहले अरुण जेटली जी की तरफ से सहयोग मिलता रहा था, जब से आपने पदभार संभाला है मैं उनका धन्यवाद भी करने गया था और उनसे रिक्वेस्ट भी किया था कि अगले 5 साल भी वित्त मंत्री केंद्रीय वित्त मंत्री जी की तरफ से लगातार सहयोग चाहिए। उसमें विशेष रूप से मैंने जो दिल्ली के मुद्दों का जिक्र किया कि फाइनेंस कमीशन में 2001 के बाद से दिल्ली को शामिल नहीं किया गया, जबकि 93 में ही लेजिस्लेचर बन गया था दिल्ली में। 93 से 2001 तक फाइनेंस कमीशन में शामिल रहता था, 2001 के बाद से दिल्ली को केंद्रीय करों का हिस्सा मिलना जो फाइनेंस कमीशन के तहत मिलता है वो बंद हो गया था और वो एक कोई एरनेस प्रोसीजर था, कहीं कुछ टेक्निकल एरर थी जिसमें जिसकी वजह से हुआ। उस एरर को ठीक करके ताकि दिल्ली को भी पैसा मिल सके और दिल्ली में नगर निगम के लिए भी जो 488 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष के हिसाब से देश के बाकी नगर निगमों को केंद्र सरकार देती है वो दिल्ली नगर निगम को भी दे, ताकि दिल्ली में साफ सफाई की व्यवस्था को, सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह को, टीचर्स की तनख्वाह को, डॉक्टर्स की तनख्वाह को वो पैसा मदद कर सके, यमुना साफ करनी है वो उसके लिए मदद कर सके। तो वो दो रिक्वेस्ट मैंने उनसे की हैं, मैं उन्होंने मुझे पूरा भरोसा जताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं और वो जल्दी ही इसका कोई समाधान निकल।